तो कैसे हो आप लोग, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेकफेस्ट चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि कैसे हम कैमटेशिया स्टूडियो 8 में एडिटिंग कर सकते हैं। जो लास्ट टाइम हमने देखा था कि कैमटेशिया स्टूडियो से हम पीसी के स्क्रीन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, तो आज उसमें हम एडिटिंग पार्ट सीखेंगे। आज के सेकेंड पार्ट को हम अब स्टार्ट करते हैं, तो इस वीडियो को टिल द एंड तक देखते रहिए और कंप्लीट वीडियो देख के आप भी एडिटिंग सीखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम कैमटेशिया स्टूडियो 8 में एडिटिंग कैसे कर सकते हैं वो देख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कैमटेशिया स्टूडियो 8 ओपन करके रखा है, तो जस्ट यहाँ पे कुछ फाइल्स में इंपोर्ट कर दूंगा। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे, जैसे रिकॉर्ड द स्क्रीन, फिर उसके बाद इंपोर्ट मीडिया एंड प्रोड्यूस एंड शेयर। रिकॉर्ड द स्क्रीन को हमने फर्स्ट पार्ट में यूज़ किया था, जो वीडियो मैंने बनाया इससे पहले। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। सेकेंड थिंग, इंपोर्ट द मीडिया, जो अभी हम यूज़ करेंगे उसकी मदद से हम फाइल इसमें इंपोर्ट करेंगे और उसे एडिट करेंगे कुछ। एंड प्रोड्यूस एंड शेयर को हम लास्ट में यूज़ करेंगे, तो फिलहाल उसे अभी रहने देते हैं। तो इंपोर्ट द मीडिया पे हम क्लिक करेंगे, तो जो हमें इस पर वीडियोज़ एडिट करना है उन्हें इंपोर्ट करना रहेगा। तो जस्ट मैं नॉर्मल सिंपली आउट्रोस ले लेता हूँ, जो मुझे थोड़े बहुत एडिटिंग करने रहेंगे। तो यहाँ पे आउट्रो आ गया है मेरा, तो इसे जस्ट मैं सिंपली माउस से राइट क्लिक करके ऐड टू टाइमलाइन, ऐड प्लेहेड पे क्लिक कर दूंगा। ये क्लिक करते ही ये मेरे टाइमलाइन पे आ जाएगा। ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये टाइमलाइन है, और यहाँ पे मुझे जो भी वीडियो रहेगी उसकी प्रीव्यू दिखेगी, और यहाँ पे जो भी मेरे वीडियोस इंपोर्ट हुए उनकी सीरीज़ यहाँ पे दिखेगी आपको। तो देखिए, यहाँ मेरे टाइमलाइन पे एक वीडियो इंसर्ट हो गई है, तो जस्ट देखिए मैं उसे प्ले कर लेता हूँ। तो ये वीडियो कुछ इस तरीके से थी। तो चलिए अब मैं इसमें कुछ एडिटिंग कर देता हूँ और कुछ बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जो टूल्स दिख रहे हैं आपको, इनका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे और ये क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। तो क्लिप बिन में आप देख रहे हैं, क्लिप बिन में वो चीज़ें दिखेंगी जो मेरे वीडियोज़ है, ऑडियोज़ है, इमेजेस है, जो भी मैं इंसर्ट करते जाऊँगा तो वो इस भाग में आपको दिखते जाएंगे। तो वो क्लिप बिन है, तो ये फर्स्ट वन तो हो गया। सेकेंड वन लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में कुछ इंट्रो ऑडियोज़ है, इंट्रो वीडियो एंड टाइटल टाइप यहाँ पे इन्होंने दिया है। तो चलिए मैं उसे यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ कैसे यूज़ होंगे। जस्ट ये एनिमेटेड टाइटल में यूज़ करूँगा, 20 सेकेंड्स का है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इसे ऐड टू अ टाइमलाइन प्लेहेड कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइमलाइन पे ऐड हो गया, ये टाइमलाइन पे तो ऐड तो हो गया है। अब मैं चाहता हूँ इसका कोई म्यूज़िक भी हो, सिंपली नॉर्मली इंट्रो टाइप। तो जस्ट ये मेरा इंट्रो है, तो इसे मैं यहाँ पे इंट्रो ऑडियो ले लेता हूँ, ये 17 सेकेंड्स का है, तो इसे भी ऐड टू प्लेहेड कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो मेरा इंट्रो टाइटल वीडियो ज़्यादा बड़ा है, तो मैं उसे मर्ज मतलब कम कर दूँगा। तो ये कम करते ही जस्ट छोटा हो जाएगा, तो नॉर्मल ये एज इट इज़ बिहेव करेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बिहेव करेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत अच्छी लाइटिंग इफेक्ट आ रही है, और इंट्रो के साथ ऑडियो भी आपको देखने मिल रहा है, मतलब क्लियर वॉइस है और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जस्ट जैसे लग रहा है हमने बहुत अच्छी एनिमेशन की है, तो बहुत ये देखने में सबको अच्छा लगेगा। यहाँ पे एंटर द टाइटल आप कर सकते हैं कुछ भी, तो यहाँ पे आप कुछ भी टाइटल अपना एंटर कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखा देता आपको कि वहाँ पे अपना टाइटल जो है आप एंटर कैसे करेंगे। तो जस्ट ये प्रीव्यू विंडो में आपको ये जहाँ पे लिखा है एंटर टाइटल हेयर पे डबल क्लिक करना रहेगा। तो जस्ट एक जहाँ इंपोर्ट मीडिया, जहाँ पे क्लिप बिन आपको दिख रहा था, यहाँ पे जाएगी अलग सीरीज़ ओपन हो जाएगी जिसमें आपको एडिटिंग करना रहेगा। तो यहाँ पे आपको जस्ट जो भी आपको लिखना है आपको यहाँ से एडिटिंग करनी रही, क्लिप बिन में से जो दिख रही है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे चैनल का नेम टेकफेस्ट। तो देखिए चैनल का नेम टेकफेस्ट मैंने लिख दिया। ऐसे मैं बोल्ड में करना चाहता हूँ तो बोल्ड पे क्लिक कर दूंगा, अंडरलाइन करना चाहता तो अंडरलाइन कर सकते हैं, इसे सेंटर में रख सकते हैं, जस्टिफाई मीन्स अपर साइड, डाउनवर्ड साइड, मीडियम साइड, जो चाहे वैसा कर सकते हैं। इसकी साइज़ भी बढ़ा सकते हैं हम बड़ा साइज़ इसे करना चाहे तो बड़ा साइज़ भी कर सकते हैं। तो जस्ट मैं 72 कर दूंगा, तो ये प्रॉपर अच्छे से दिखेगा। टेक्स्ट के कलर क्या चाहिए मैं वो डिसाइड कर सकता हूँ, जैसे मैं ग्रीन चाहता हूँ तो ग्रीन हो जाएंगे, ब्लू चाहता हूँ तो ब्लू भी हो जाएंगे। पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेक्स्ट के आपको कलर चाहिए तो वो भी हो जाएंगे,
स्पेसिफिक टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आप इसे कलर्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे, जैसे आपको यहाँ पे बहुत सारे शेप्स दिख जाएंगे, तो नॉर्मल शेप्स भी है, तो नॉर्मल शेप में यूज़ करो, आप चाहो तो दूसरे शेप्स भी ट्राई कर सकते हैं। इफेक्ट्स में भी आप शेडो ट्राई कर सकते हैं, जो भी आपके टेक्स्ट आएंगे उसके शेडोज आ जाएंगे, तो मैं टेक्स्ट के शेडोज रख देता हूँ। कॉल आउट्स में ये सभी पार्ट्स थे, और यहाँ पे शेप्स टेक्स्ट बहुत सारे दिए गए, जैसे मैं आपको कुछ यूज़ करके दिखा देता हूँ। जैसे ये एरो में यूज़ करना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ पे एरो हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि हमारे चैनल का नेम यहाँ पे शो हो रहा है और ये एरो उसे शो कर रहा है। इस एरो के कलर भी हम चेंज कर सकते हैं चाहो तो इसके अलावा और भी कॉल आउट्स के जो भी पार्ट्स हैं वो देख लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे कुछ इस तरह का ड्रॉ हो रहा है, चाहो तो हम इसे ड्रॉ होते हुए भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिए चैनल का नेम है जो ये ड्रॉ होते हुए दिखेगा, तो जस्ट जब ये ऑन होगा देखिए आप कैसे इफेक्ट आएगा इस पर। चलिए देखिए मैं ड्रॉ वाला हिस्सा स्टार्ट कर रहा हूँ, तो देखिए ड्रॉ होते जा रहा है और टाइमलाइन पे मेरा जो नेम है अब शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बिहेव करेगा ड्रॉ एंड टेक्स्ट के साथ, इस तरीके से बहुत इजीली बिहेव करता है। इसे रिमूव करना चाहते तो रिमूव बटन पर क्लिक करके रिमूव भी हो जाएगा, एंड बैकवर्ड जाने के लिए मैं इस तरीके से टेक्स्ट एडिटिंग कर दिया है। और अगर आप जूम इन पे जाएंगे तो कुछ पर्टिकुलर पार्ट पे आपको जूम इन करना रहेगा, जैसे मेरी आगे की जो क्लिप है यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं देखिए आपको प्रीव्यू इसका दिखा देता हूँ कैसा दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी प्रीव्यू दिख रहा है, थैंक्स फॉर वॉच, रिमेंबर टू शेयर, इसे मैं जूमिंग करके दिखाना चाहता हूँ। तो जूम इन पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको दो पार्ट दिखेंगे, ये रेशियो वाला पार्ट और एक साइज छोटा करने वाला पार्ट। तो इसे हम इस तरीके से छोटा कर देंगे और जिस पार्ट पे हमें जूम इन करना है जस्ट उतने पार्ट को ही क्रॉप करके दिखाएंगे, शो करेंगे, तो जस्ट जूम इन हो जाएगा। तो इससे हमारे वीडियो में किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को हम जूम इन करके रख सकते हैं, और जहाँ तक जूम इन करके रखना है उसके बाद वापस पॉज कर दीजिए और फिर वापस 1:1 पे क्लिक कर दीजिए, नॉर्मल जूम इन हो जाएगा जो आपका एक्चुअल रेशियो रहेगा 1280x720 पिक्सल का, वो हो जाएगा इससे। तो ये हमारा जूम इन पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं ऑडियो पार्ट पे। ऑडियो पार्ट पे अगर हम कुछ ऑडियो की जो भी यहाँ पे आवाज़ है कम ज़्यादा करना चाहते हैं, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, तो इसे कर सकते हैं। जो भी बैकग्राउंड में कुछ हम यूज़ कर रहे हैं कि बैकग्राउंड कम होनी चाहिए, म्यूज़िक से जो भी हम लोग के डायलॉग से उसे कम होनी चाहिए ज़्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पे वो सब सेटिंग्स कर सकते हैं। अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको वो भी समझ जाएगा। तो नेक्स्ट है ट्रांजिशन। ट्रांजिशंस में आपको इसमें कुछ ज़्यादा सिंपली हार्ड नहीं है, जो सिंपल सा है, जस्ट हम किसी पे क्लिक करके देखेंगे तो ये इसका प्रीव्यू दे देगा। आपको डबल क्लिक करना रहेगा तो जस्ट ये प्रीव्यू दे देगा, तो आपको जो भी अच्छा लगे तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो मैं जस्ट सिंपल वन ट्राई करता हूँ, फ्लिप टू, ये क्यूब रोटेट, बर्न, ये सब मैं ट्राई करता हूँ, तो ये मुझे बेस्ट लगता है, तो मैं यही अप्लाई करना चाहूँगा अपने वीडियो में। तो ऐड टू सेलेक्टेड मीडिया, तो मैंने इसे ऐड कर दिया यहाँ पे, तो इसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से बिहेव कर रहा है, जब मैंने इसे ये ऐड किया तो देखिए ये अभी किस तरीके से बिहेव करेगा, देखा आपने, ये है ट्रांजिशन इफेक्ट, तो इस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर मेरे कोई कर्सर इफेक्ट है इसमें, तो इस वीडियो में तो कर्सर इफेक्ट अवेलेबल नहीं है, अगर कर्सर इफेक्ट होता तो उसकी भी हम एडिटिंग कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में तो बस इतना ही था, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया टेकफेस्ट चैनल, तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम टेक्नोलॉजी बेस्ड एंड एडिटिंग एंड टिप्स एंड ट्रिक्स लाते रहते हैं, इसी तरह के न्यू अपडेट्स वीडियोज़। तो आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं लगता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप टेक्नोलॉजी के बारे में न्यू एंड अपडेटेड चीज़ें सीख सकते हैं, और इस चैनल के वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके भी फ्रेंड्स वीडियो एडिटिंग सीख पाएँ, उन्हें भी पता चले कि वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं और प्रोफेशनल एडिटिंग मतलब हम कैसे कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में तो बस इतना ही था,
तो आपको कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। We'll be right back.